हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 13, दैट इज़ मोशन एंड टाइम। तो बच्चों, हम अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स, पीरियोडिक मोशन, स्ट्रेट मोशन जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, और लास्ट में हम पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे थे अबाउट द हम पढ़ने हमने ऑलरेडी कर लिया था टाइम के बारे में, कि अर्ली जब अर्ली टाइम में लोग होते थे तो वो कैसे समय का पता लगाते थे, क्योंकि उस टाइम तक घड़ियाँ नहीं बनी थी। उसके बाद हमने पेंडुलम के बारे में पढ़ा था कि पेंडुलम में ऑसिलेटरी मोशन होता है, जिसमें क्या होता है कि पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन से बी पोजीशन तक जाता है, जो कि ओ से रिप्रेजेंट है मेन पोजीशन, और वो जाएगा बी तक और बी से होते हुए ए तक। इस तरह से वह एक कंप्लीट, और जब वापस ऊपर आएगा तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाएगी, और इस दौरान जितना भी टाइम लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो बच्चों, हम ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब हम एक्टिविटी 13.2 से शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्टिविटी 13.2। सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4A। तो आप 13.4 की तरह पहले एक बॉल, या फिर किसी आपको बॉब ना भी हो तो आप किसी बॉल पर हुक लगाकर, थोड़ा सा टेनिस बॉल पर हुक लगाकर उस पर धागा बांध लीजिए, और विद अ थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर, और करीब 1 मीटर के करीब आपने धागे की लेंथ रखनी है। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाई, आपने फ़ैन को बंद कर देना है। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू द रेस्ट एट इट्स मेन पोजिशन, पहले आपने उसको सीधा रखना है बॉल को या फिर बॉब को, ताकि वह अपनी रेस्टिंग पोजिशन पे आ जाए। मार्क द मेन पोजिशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट ऑन द वॉल बिहाइंड इट। तो जहाँ पर उसकी मेन पोजिशन है बॉल की, तो वहाँ पर आपने निशान मार्क कर देना है फ्लोर पर। तो टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच, तो हमें एक स्टॉप वॉच चाहिए। हावर इफ फर्स्ट स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, अ टेबल क्लॉक और रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड। तो स्टॉप वॉच वो होती है बेटे, जो रेस वगैरह में हाथों में आपने देखा है कि रेफरी लेकर रखता है, ताकि एग्जैक्ट टाइम का पता लगा सके। स्टॉप वॉच में सेकेंड्स और मिनट्स और जो आवर्स हैं उनके बड़े क्लियर इंडिकेशन होते हैं, और जितना हम टाइम फील करते हैं उस तरह से वो टाइम हमें एग्जैक्ट वैसे ही दिखाती है। अगर आपको कोई गलत अगर आपको टाइम देखना आता है, तो आप क्लॉक और रिस्ट वॉच जो हाथ घड़ी होती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। अब आपको क्या करना है कि बॉब को धक्का देना है एक तरफ। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट वाइल यू डिसप्लेस इट। तो आप ध्यान रखें कि जो धागा आपने पकड़ा है वो बिल्कुल टाइट रहे, और इस तरह से आपने क्या करना है कि उसको पुश करना है। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिसप्लेस पोजिशन, रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट बी पुश्ड व्हेन इट इज़ रिलीज्ड। तो अब आपने जहाँ पर उसको जहाँ तक वो गया है वहाँ पर आपने क्या करना है, बॉब को आगे जाकर पुश नहीं करना, मतलब एक बार ही पुश करना है, और आपने नोट करना है टाइम को, ठीक है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज़ एट इट्स मेन पोजीशन। आपने ध्यान रखना है कि जब बॉब दोबारा से अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए तो आपने उसका समय देखना है। इंस्टेड ऑफ द मेन पोजीशन यू मे नोट डाउन द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कम्प्लीट 20 ऑसिलेशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों, आपने क्या करना है, आपने 20 ऑसिलेशन तक आपने रिकॉर्ड करना है, और इस तरह से आपकी जो रीडिंग है वो आपने लिखनी है, ठीक है बच्चों। और यह एक्टिविटी सब बच्चे अपने घर में ज़रूर परफॉर्म करें, क्योंकि बॉल सभी के पास होती है। उस पर आप सिर्फ एक धागे से बॉल को बांध दें और मेन पोजीशन से फिर उसको पुश करें, और यह देखेगी कितने टाइम बाद वो फिर से मेन पोजीशन पर आती है। और आपने समय को ज़रूर चेक करना है कि कितने टाइम इस जो ये मोशन था वो कितने टाइम तक चला। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज एज जस्ट अ सैम्पल, योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन बाय 20 गेट द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो आपने क्या करना है कि अब यह आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है कि अगर आप जो टाइम ले रहे हैं 20 ऑसिलेशन के लिए, आपने क्या किया, जो टाइम है
उसको 20 ऑसिलेशन से डिवाइड कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। इज़ दैट टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल इन ऑल केसेस, क्या टाइम पीरियड सभी में सेम होगा। नोट दैट अ साइड चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। तो यह ध्यान रखना कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो ये है डिस्टेंस, जब ए पॉइंट से कोई व्यक्ति बी तक जाता है ये डिस्टेंस होता है, लेकिन जब वो जाकर वापस वहीं पर आ जाता है उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ चुके होंगे कि डिस्प्लेसमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है टाइम पीरियड पर। नाउडेज मोस्ट क्लॉक और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर सेल्स, दिस क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक। आजकल जो आपने देखा है कि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की क्लॉक्स आ गई हैं जो जिसके अंदर एक पूरा सर्किट अवेलेबल होता है, द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मोर एक्यूरेट देन द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। तो इनमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइम हमें देखने को मिलता है, जैसे यहाँ घर में घड़ियाँ होती है, एक अपने घर में जो घड़ी लगी होती है तो कई बार क्या होता है कि हर घड़ी में एक जैसा समय नहीं होता, थोड़ा मिनी सेकेंड का फ़र्क तो हो ही जाता है। तो इस तरह से इन वॉचेज में थोड़ा सा भी आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आपको ये बताती है। तो यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, सभी को पता है कि टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। सबसे छोटी यूनिट है टाइम की सेकंड, इट सिंबल इज एस, और हम टाइम को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स, और उससे बड़ी यूनिट्स हैं मिनट्स और आवर्स जो कि कहलाते हैं घंटे। यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आप टाइम देखना जानते हैं, आपको पता है मिनट्स आवर्स और सेकंड्स में क्या अंतर है। तो व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की क्या बेसिक यूनिट है। सिंस द स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बेसिक यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड। तो आप ध्यान से देखिए स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं और टाइम के लिए हम रखते हैं मिनट। तो अगर हम देखा जाए तो क्या होगा, मीटर पर मिनट भी हो सकता है, या फिर मीटर में हम ना दिखाना चाहे तो किलोमीटर पर आवर्स, बड़ी यूनिट्स में हम किलोमीटर पर आवर्स भी हो सकता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल द यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। तो फॉर एग्जांपल वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स, तो हमें यहाँ पर प्लूरल में नहीं लिखना होता, सिंगुलर में ही लिखना होता है, एस नहीं डालना होता, जैसे 8 सेंटीमीटर्स जो कि गलत है। बुजो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स देर आर इन अ डे, हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, कैन यू हेल्प हिम। तो आपने यह खुद ही कैलकुलेट करना है कि दिन में 24 घंटे होते हैं तो एक मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि 24 घंटे की जगह एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो आप यह कैलकुलेट करिए और यह आज की एक्टिविटी है, आप यह रदर देन आवर्स आप दिन के जो घंटे हैं उनको सेकेंड्स और मिनट में कैलकुलेट करें। तो टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन फॉर एग्जाम्पल 42 ऑसिलेशन लिए हैं और टाइम पीरियड कितना रहा 2.1 सेकंड्स में। तो इस तरह से आपने जो ये एक्टिविटी है स्कूल में परफॉर्म करनी है, तो अगर आप घर पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास करेक्ट स्टॉप वॉच हो या रिस्ट वॉच हो, तो अदरवाइज स्कूल में इसको परफॉर्म करवाया जाता है, तो आप घर पर भी इसको ट्राई कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।